आईपीएल का अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे फैंटेसी 11 की टीम के बारे में। ये मैच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा जहां की पिच बैट्समैन को बहुत ज्यादा फेवर करने वाली है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो वो है 174 का और पेसर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। केकेआर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि इस टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगे। उसके बाद मनदीप सिंह, कप्तान नितिश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, टिम साउदी, अनुकूल रॉय, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं कप्तान फैफ डुप्लेसिस, उसके बाद विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, डेविड वीली, करण शर्मा, आकाशदीप। अब फैंटेसी 11 की टीम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर की बात आती है तो आप चुनेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज को क्योंकि वो पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पिछले मैच में 16 गेंदों पे 22 रन बनाए थे और एक कमाल की पारी खेली थी। फिर आप चुन सकते हैं दिनेश कार्तिक को जो कि पिछले सीजन में बहुत अच्छे फॉर्म में रहे थे और टीम के लिए ये काफी अच्छे फिनिशर हैं। फिर अगर बात करें बैटर्स की तो सबसे पहले आप चुनेंगे आरसीबी के कप्तान फैफ डुप्लेसिस को जिन्होंने पिछले मैच में 43 बॉल्स पे 73 रन बनाए थे और उनकी स्ट्राइक रेट काफी कमाल की रही थी जो कि थी 169 की। उसके बाद आप वेंकटेश अय्यर को चुन सकते हैं जिन्होंने पिछले मैच में 28 गेंदों पे 34 रन बनाए थे। फिर विराट कोहली बैटर्स के लिए सबसे अच्छी चॉइस दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 49 गेंदों पे 82 रन बनाए थे और एक कमाल की इनिंग्स खेली थी। अपनी इनिंग्स में उन्होंने 6 चौके लगाए थे और 5 छक्के लगाए थे। अब बात आती है ऑलराउंडर्स की तो सबसे पहले आप चुनेंगे ग्लेन मैक्सवेल को जिन्होंने पिछले मैच में 3 गेंदों पे 12 रन बनाए थे और एक कमाल की फिनिश दी थी आरसीबी की टीम को। उसके बाद आप चुन सकते हैं आंद्रे रसल को जो कि इस टीम के रसल मसल है। पिछले मैच में उन्होंने 19 गेंदों पे 35 रन बनाए थे और ये बहुत ज्यादा विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके बाद आप चुन सकते हैं सुनील नारायण को जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से योगदान देते हैं। उन्होंने अपने पिछले मैच में 1 विकेट चटकाई थी और साथ ही में 2 गेंदों पे 7 रन भी बनाए थे तो यहाँ पे साफ दिखता है कि वो दोनों जगह कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। फिर गेंदबाजों में आप सबसे पहले चुन सकते हैं डेविड वीली को। रीस टोपली इंजरी के चलते मैच नहीं खेलने वाले हैं तो इसलिए डेविड वीली को इस मैच में जगह मिलेगी और वीली इंग्लैंड के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं तो यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो आज बहुत अच्छी गेंदबाजी कराने वाले हैं। उसके बाद आप चुन सकते हैं मोहम्मद सिराज को जिन्होंने पिछले मैच में काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी कराई थी। उन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर्स डाले थे जहां पे 21 रन खाए थे और 1 विकेट चटकाई थी और उनकी इकोनॉमी सिर्फ 5.25 की रही थी जो कि T20 के हिसाब से काफी कमाल की इकोनॉमी होती है। आखिर में आप चुन सकते हैं उमेश यादव को जो कि बॉल को बहुत अच्छे से स्विंग करना जानते हैं। उन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर्स में 21 रन दिए थे और उनकी इकोनॉमी लगभग 6.75 की रही थी। आखिर में बात आती है कैप्टन की और वाइस कैप्टन की तो कैप्टन के लिए आप चुन सकते हैं विराट कोहली को जो कि ईडन गार्डन्स के मैदान पे हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और उन्होंने इस मैदान में आईपीएल में शतक भी लगा रखा है। फिर बात आती है वाइस कैप्टन की तो वाइस कैप्टन के लिए आप चुन सकते हैं सुनील नारायण को जो कि एक बहुत ही सेफ चॉइस है। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11 की टीम। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।